बीवी अगर ना फरमान है तो उसे मारने का सबूत तो कुरान में है। ये मसला बोले देखो हजरत तुम्हें पक्का कुरान में है, हजरत पक्का कुरान में है। पारा नंबर 5 वल मुहसनात सूरह निसा। अभी क्या होना दलील? अब क्या करेंगे मालूम क्या हजरत ने? पूरी तकरीर भूल जाऊंगा। ये मारने का मसला जहन में, घर को जाते कि नहीं गे आगे? अरे अब तक चूहा था, अब ऊंट बन जाना इन्हें। उसे बोलती सो मुजम्मी साहब का बयान सुनोनो को बोल को। अब धना धन मार रहा है, कई तुझे मारी? मुजम्मी साहब बोले कुरान में है, कहते तुझे मारना। कुरान में मारो बोलकर कब है, कैसा मारो बोलकर तफसीर में है। बीवी अगर शौहर की नाफरमान हो जाए तो कुरान कहता है पहले उसे समझाओ, फाइजू हुन्ना, उसे समझाओ, जैसा तुम ना आता वैसा समझाओ, जो वास्ते देना तुम्हें दियो, जो मोहब्बत के पैगामात पेश कर सकते करो, समझाओ। कई कूजी अम्मा बाबा से लड़को तुम ना शादी करया सो तुम्हें कई कूजी लड़ते ही, ये भी फैजू हुन्ना। पुराने व्हाट्सएप भी याद आते नीना जी तुम ना, ट्विटर्स भी याद आते नीना जी तुम ना, कई कूजी लड़ते ही, लड़ो नको जी, तुम्हें मेरी जिंदगी के हिस्से, मैं तुम्हारी जिंदगी का हिस्से, तमाम बातें बोलने को फैजू हुन्ना। तब भी अगर सुधरी नहीं तो अब कुरान दूसरा ऑप्शन पेश करता है, वह जुरू हुन्ना फिल मजाजी, बिस्तर से उसे अलग करो, तुम्हें अलग होने को। यहाँ कहाँ चल रहा वैसा, कमरे को जाता लड़ ले को तकिया भी बरशीट उठा ले को, इन्हें बाहर निकलता, अम्मा हाल में सोते रहती की रे बा मच्छरा भी गर्मी ज्यादा है, बोल को आगा हालांकि उन्हें भेजी सो। कुरान बोलता उसे तरबियत करने के वास्ते तू उसे बिस्तर से अलग रख, वाहजुरू हुन्ना, वाहजुरू के फाइल तुम्हें, हुन्ना मफूल उन्हें अलग करो। नहीं सुधरती तब भी, तब जाकर तीसरा क्या, वज़रिबू हुन्ना, तब जाकर मारो। मुफस्सिरीन किराम ने नीचे लिखा है गैर मुबर्रहिन, ऐसा मारो के दाग ना लगे, ज्यादा दर्द ना हो। मरते तक फक अच्छा जोर से उठाना, गए तक स्लो हो जाना। हमारे उस्ताद मोहतरम थे हजरत अब्दुल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह, मेल विशारम के, जिनके जूतियों का सदका के मैं आपके सामने बैठा हूँ। ये सब अल्लाह का फजल, नबी का सदका, हमारे असातजा की जूतियों का सदका है। समझ में आई बातें? ऐसे मौके पर हमको हमारे असातजा बहुत याद आते हैं। अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए, अल्लाह उनके दरजात बुलंद फरमाए, बाल बाल मगफिरत फरमाए, उनकी तमाम दीनी मेहनतों को कबूल फरमाए। आला इल्लियीन में अल्लाह हमारे असातजा का मकाम रखे। तो हमारे एक उस्ताद थे हजरत शाह अब्दुल्ला साहब बाकवी रहमतुल्लाही अलैह, वो तो बच्चों को मारते नहीं थे लेकिन इतनी बड़ी लकड़ी रखे थे। बहुत खिदमत करने का मुझे हजरत का शर्फ मिला, हजरत की मैं बहुत खिदमत करता था, मेल विशारम में पढ़ते, मारते तो नहीं थे हजरत लेकिन इतनी बड़ी लकड़ी रखते थे। कभी कभी वैसा बोलकर मारना कर तो इतनी ऊपर लकड़ी उठाते, अभी जर्रा उठाते तो आसमान को छूती लकड़ी, खाली उन्हें उठाने को देखो हमारा पिता पानी हो जाता, लेकिन मारे तो हम ना हंसी आ जाती। तो ऐसा मारते वैसा तुम ना भी हल्लू मारो बोलकर तुम्हें बोलते ही, क्या की बोल रही तुम्हें, ये मौली साहब को सुने नहीं आ रहा, मंजे सुने आ रहा है क्या हजरत, हमें कहा उनको मारना हजरत, 15 साल से हमें मारा खा ले कोई। शादी हुई कहते
शादी होने के बाद दोस्त पूछा कहते कैसी बाहे जिंदगी बोलकर, तो दोस्त बोलिया कहते शादीशुदा, कभी उन्हें खुश कभी मई खुश बा। अरे वो कैसा रे, हुए तो दोनों खुश होना नहीं तो दोनों नाराज होना, कभी उन्हें खुश कभी तू खुश कई कुबा, ठेक को मारती रे, लगा तो उन्हें खुश, नहीं लगा तो बज गया बोलकर मई खुश। ये हाल हो जाता अल्लाह अकबर का।